वेलकम टू ए टू जेड अपडेट्स दोस्तों। सो मैं आज बात करने वाला हूँ हुंडई की क्रेटा के फेसलिफ्ट वाले मॉडल के बारे में, यानी कि इसके कुछ स्पाइस शॉट लेकर कर आए। सो मैं इसके लॉन्च डेट, प्राइस, स्पेसिफिकेशन और इसमें कौन से चेंजेस हो गए उसके डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हुंडई की ओर से बात करें तो हुंडई की क्रेटा जो है वो 2019 के साल में इंडियन मार्केट में आई थी, और उसी के बाद अगर देखा जाए तो इसका सेलिंग बहुत ही अच्छा हुआ है। और उसमें ये जो नया जनरेशन आया तब से देखा जाए तो सेलिंग तो बहुत ही अच्छा ही हुआ है। एसयूवी सेगमेंट में आप देखने जाओ तो इस हुंडई क्रेटा और टॉप 3 में ही आपको देखने को मिलती है। सो गाइस, इसके टेस्टिंग के दौरान की कुछ स्पाइस शॉट निकल कर आए, तो इसमें हमें यह पता चल रहा है कि हुंडई क्रेटा की एक फेसलिफ्ट वाला मॉडल जल्द ही इंडियन मार्केट में आने वाला है। सो गाइस, इस फेसलिफ्ट मॉडल में हमें यह पता चल रहा है कि इसका जो हेडलैम्प होगा उसका डिज़ाइन भी थोड़ा बहुत अभी के मॉडल से चेंज होने वाला है, और इसका जो ग्रिल होगा वो भी अभी के मॉडल में जो देखने को मिलता है उससे चेंज होने वाला है। यानी कि हुंडई क्रेटा के ये नए फेसलिफ्ट मॉडल में आप बोल सकते हो कि ये फेसलिफ्ट मॉडल में हमें जो इसका लुक है वो अभी हुंडई लाइनअप का जो नया लुक है वैसा ही देखने को मिलने वाला है, जैसे कि i20 में हमें देखने को मिलता है। और गाइस, इसके रियर लुक के बारे में बात करूँ तो इसका जो टेल लैंप होगा वो एलईडी लाइट से कनेक्ट हो सकता है, यानी कि दो हेडलैम्प एलईडी लाइट से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमें i20 का रियर लुक देखने को मिलता है। हो सकता है कि वैसा कुछ लुक हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि इस फेसलिफ्ट मॉडल में हमें डिज़ाइन लैंग्वेज में पूरे चेंज देखने को मिलने वाला है, और इसका जो एलॉयज होगा वो भी थोड़े बहुत डिज़ाइन में चेंज होने वाला है। और गाइस, इसके इंटीरियर के बारे में बात करूँ तो इंटीरियर में भी हमें फ़ीचर्स थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और इसका जो फीचर्स तो अच्छे ही है, और सेफ्टी में देखा जाए तो सेफ्टी में भी हो सकता है कि थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। हालांकि अभी में जो कार है उसमें भी सेफ्टी बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर फेसलिफ्ट मॉडल में हो सकता है कि थोड़े बहुत सेफ्टी फ़ीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और गाइस, ये जो फेसलिफ्ट मॉडल होगा उसका जो लुक होगा वो पूरा ही एरोडायनेमिक लुक देखने को मिलने वाला है, यानी कि लुक बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। वैसे चेंजेस देखा जाए तो इतने भी चेंजेस नहीं होने वाले, सिर्फ और सिर्फ माइनर चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि यह अपने कंपटीटर जैसे कि किया सेल्टोस है और बाकी की अदर कार्स है जो कि इसके कंपटीटर में आती है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सके, इसलिए इसका फेसलिफ्ट मॉडल होगा वो थोड़ा बहुत अच्छा ही रह सकता है। और इसके गाइस लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो इसका लॉन्च डेट 2022 के एंड के पहले ही इसका लॉन्च होने वाला है, यानी कि बोल सकते हो कि 2022 के मिड तक ये लॉन्च होने वाला है। 2021 में इसका लॉन्च होने का कोई भी प्लान नहीं है। सो आप अगर परचेस कर रहे हो तो इसके लिए आप वेट मत करिए। अगर आपको अभी ही लेना है तो आप कोई और कार या क्रेटा का अभी का मॉडल परचेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो तो 2022 में ये कार लॉन्च होने वाली है, तो आप तब तक वेट कर सकते हो। और गाइस, इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस अभी का जो प्राइस है उसका लिटिल बिट प्राइस इंक्रीज हो सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत ही प्राइस इंक्रीज हो सकता है। सो गाइस, आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्रेटा का फेसलिफ्ट वर्जन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।